गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाना। नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए ये हमने 500 ग्राम नींबू लिए हैं। इनको हमने अच्छे से धो लिया है और कपड़े से भी पोंछ लिया है और इनका पानी हमने सुखा लिया है। और ये हमने 100 ग्राम नमक लिया है, एक चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर और एक चम्मच हमने अजवाइन ली है, चौथाई चम्मच हमने हींग ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नींबू को कट कर लूँगी। ये हमारे नींबू में बीज बिल्कुल भी नहीं है, ये नींबू बहुत अच्छे हैं। अब मैं इसके, आपको जितने बड़े टुकड़े करने हैं उतने कर सकते हैं। मैं एक नींबू में से 8 टुकड़े करूँगी। मैं पीसेस छोटा ही रखूंगी नींबू का। इसी प्रकार से मैं अपने सारे नींबू कट कर लूंगी। और ये हमारे सारे नींबू कट कर तैयार हो चुके हैं। ये हमारे नींबू कट चुके हैं। अब मैं इसमें नमक मिलाऊंगी। और साथ ही मैं इसमें ये अजवाइन भी डाल दूंगी, ये हींग भी डाल दूंगी इसके अंदर में। और ये एक चम्मच जो हमने लाल मिर्ची ली है ये भी इसमें डाल दूंगी। हम अचार के अंदर हल्दी नहीं डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और ये हमारे अचार में नमक, मिर्च और अजवाइन मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको इस डब्बे में डाल दूंगी। मैं इस डब्बे में 4-5 दिन के लिए डाल के धूप लगा लूंगी। और ये हमने अचार को डब्बे में डाल दिया है। अब मैं इस डब्बे को ढक्कन से बंद नहीं करूंगी। ये मेरे पास एक पतला सा कपड़ा है, मैं इसे इस पे ढक दूंगी और इसे इस प्रकार से बांधूंगी। और इस अचार को मैं 4-5 दिन में चेक करूंगी, फिर बाकी अचार को बाद में तैयार करेंगे 4-5 दिन बाद। इसे मैं 4-5 दिन की धूप लगाऊंगी अचार। ये हमारे अचार को 5 दिन हो चुके हैं और अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। और ये हमारा अचार अच्छे से गल चुका है। और ये मैंने 500 ग्राम चीनी ली है क्योंकि हमारे पास 500 ही ग्राम नींबू थे। और ये कुछ मसाले लिए हैं, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच जीरा लिया है भुना हुआ, 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच काली मिर्च ली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, गैस को मैं ऑन कर दूंगी और जो ये नींबू का अचार है मैं इसमें डाल दूंगी।
ये हमारा अचार अच्छे से गल चुका है। और अब मैं इसके ये अंदर ये चीनी ऐड कर दूंगी। और चीनी पिघलने तक मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। और ये मसाले भी मैं इसमें डाल दूंगी। ये हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। गैस को मैं बंद कर दूंगी। इस अचार को मैं एक बाउल में रख दूंगी। मैं सारा अचार इस बाउल में निकाल लूंगी और ठंडा होने के बाद इसे मैं जार में भरूंगी। और ये हमारा नींबू का अचार बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।